दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हरदयाल सिंह और आप देख रहे हैं जॉब्स इंडिया डेली। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग एकदम बढ़िया हैं, अच्छे से अब प्रैक्टिस कर रहे हैं ज्योमेट्री पे। आपने सारी की सारी प्रमेय और सारे इसके जो राइट एंगल ट्राइंगल में जो चार प्रॉपर्टी बनती थी, जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी हमने, वो भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। चलिए उसी पे बेस्ड और एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे वो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपना। कोई एक त्रिभुज है, किसी त्रिभुज जिसकी भुजाएं तीन चार पांच सेंटीमीटर है। ठीक है, तीन सेंटीमीटर, चार और पांच सेंटीमीटर है। तो सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, यह है आपके पास क्वेश्चन कि एक ट्राइंगल है, तीन चार और पांच। अब ये साइड आपको देखते ही कुछ क्लियर हो रहा होगा, ये तीन चार और पांच जो साइड हैं वो क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है, ट्रिपलेट बन रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है। तो सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई बताइए। हमने इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ये एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मान लीजिए थ्री है, फोर है, ये थ्री हो सकती है, ये फोर हो सकती है, इन दोनों में से कोई सा भी। ठीक है, वो डिपेंड करता है थीटा के सामने कौन सा एंगल है। क्लियर हुआ? अब देखिए, ये तीन और ये तीन है और ये आपके पास चार है, ये वाली साइड कितनी है, फाइव है। क्लियर हुआ, ये फाइव है। अब यहां से देखें, आपको क्या करना है, बड़ी वाली भुजा पे डाले गए लंब की लंबाई निकालनी है। यानी ये क्या है, पी है आपके पास, इसकी लंबाई निकालनी है। ये मान लीजिए ए है और ये आपके पास बी है। ये आपको यहां तक क्लियर है? सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, इस पर डाले गए लंब की लंबाई। आपने प्रॉपर्टी देखी थी, प्रॉपर्टी थी कि 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी राइट एंगल ट्राइंगल की, या आप अगर इसको इससे याद नहीं किया होगा तो ए बी और सी ये डी है, तो आपने किस तरह से याद किया होगा इसको, 1 अपॉन बी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी सी स्क्वायर। आपने इन दोनों में से किसी भी एक तरीके से इसको याद किया है। चलिए, ये वाली प्रॉपर्टी है तो इस पे वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 अपॉन पी, पी की वैल्यू तो परपेंडिकुलर, हमें बी डी निकालना है। ठीक है, 1 अपॉन ए तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी यानी 4 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ? तो देखिए, 1 अपॉन पी स्क्वायर ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर है, तो ये 1 अपॉन 9 और ये 1 अपॉन 16। ठीक है, यहां से जब एलसीएम लूंगा तो इसका एलसीएम आ जाएगा 144, 144। ठीक है, यहां से ये 16 आएगा और ये 9 आएगा, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 डिवाइड बाई 144। ठीक है, हमें निकालनी है वैल्यू पी की, ये 1 अपॉन पी की है, तो अगर पी की वैल्यू निकालनी है तो इनको रिवर्स कर देता हूं, तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 144 अपॉन 25। ये बिल्कुल उल्टा कर दिया मैंने इसको, यहां से अंडर रूट लूंगा तो इसका क्या हो जाएगा 12 और इसका क्या हो जाएगा 5, क्योंकि ये पी स्क्वायर है तो पी की वैल्यू 12 बटे 5 हो जाएगी, तो 2.4। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 2.4। क्लियर हुआ यहां तक? तो आपके पास इस लंब की लंबाई जो सबसे बड़े भुजा पर डाली गई है उसकी लंबाई कितनी आएगी, 2.4 आ गई। यहां तक क्लियर हुआ? ये थी आपकी चारों प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक क्वेश्चन हो गए हैं। अब एक जनरल क्वेश्चन लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का। ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टी हमने चार पढ़ी थी उन पे बेस जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमने सॉल्व कर लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज
जिसकी भुजाएं आठ, जिसकी भुजाएं छह, आठ और 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये वाली भुजाएं इसकी दे रखी है। तो आपको यहां पे कुछ चीजें फाइंड आउट करनी है वन बाय वन। तो फर्स्ट जो फाइंड आउट करना है वो आपके फाइंड आउट करना है कि लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी निकालें। लंब केंद्र व परिकेंद्र के बीच की दूरी। अब आपको पता है लंब केंद्र होता है ऑर्थो सेंटर, यहां पे लिखता हूं मैं, ये होता है ऑर्थो सेंटर और ये होता है आपके पास सरकम सेंटर। क्लियर हुआ? सेकेंड जो है वो आपको फाइंड आउट करना है लंब केंद्र तथा केंद्रक के बीच की दूरी। क्लियर है? केंद्रक सेंट्रोइड हो गया। थर्ड जो है वो है केंद्रक तथा परिकेंद्र के बीच की दूरी। ये आपके पास क्वेश्चन है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसकी साइड आपको गिवन है, उसमें ये चारों चीजें आपको पता करनी है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड ये 6 गिवन है, एक 8 सेंटीमीटर गिवन है, एबीसी जो भी है नाम इसका, ये 10 सेंटीमीटर है। ये क्लियर? अब आपको निकालना है लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल में कहां पे लंब केंद्र बनता है, कहां पे ऑर्थो सेंटर होता है और कहां पे सरकम सेंटर होगा। अगर आपको ये सारी चीज पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ईजी है। तो आपको यहां से पता होना चाहिए कि 90 डिग्री यहां पे बनता है और यहां पे होता है इसका ऑर्थो सेंटर। ये क्या कहलाता है इसका? ये होता है इसका ऑर्थो सेंटर। क्लियर हुआ? साथ ही साथ हमें निकालना है परिकेंद्र। अब आपको पता है कि परिकेंद्र जो होता है वो कर्ण का मध्य बिंदु होता है। क्या? कर्ण का मध्य बिंदु। तो यहां पे मान लेते हैं वो मध्य बिंदु है डी। तो ये डी जो है ये क्या हुआ, या डी ना मान के इसको अगर परिकेंद्र है तो इसको सी लिखें आप, इसको ओ से डिनोट करें। ये क्लियर है? इसको बी से ना करके ओ से, क्योंकि ये ऑर्थो सेंटर है। अब चलिए इसको मैं मिला देता हूं, ठीक है? तो ये वाली साइड जो है वो क्या बनी? माध्यिका, क्योंकि ये मध्य बिंदु है तो शीर्ष से डाली गई, शीर्ष और मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो माध्यिका बनती है, ठीक है? ये हो गई माध्यिका। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है आपको, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे इन दोनों के बीच की दूरी, कैसे निकालेंगे? तो चलिए इन दोनों के बीच की दूरी देखते हैं। पहले तो आप देखें कि सरकम रेडियस कितनी हो जाएगी। यह पहले क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं हम, इस वाले क्वेश्चन का, ये ऊपर ही लिख देते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट है सी और ओ के बीच की दूरी। अब आपको पता है कि ये क्या है, एक अगर एक सर्कल ड्रॉ करता हूं तो अब आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। ये ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो साइड है ना सी ए, ये भी इसका, ये क्या होता है परी सरकम सेंटर। इसका मतलब ये इस वर्त का क्या है, केंद्र है। अगर ये इसका केंद्र है तो ये भी इसकी रेडियस है, ये भी इसकी रेडियस है और ये भी इसकी रेडियस है। तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तीनों अगर बराबर होंगे तो ये पूरा ए सी डायमीटर है, इसको अगर दो से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी, ठीक है? तो सी ओ की वैल्यू क्या आ जाती है, ये आपको पता भी होगा कि सी ओ जो है वो सीओ किसके बराबर होता है, अगर सी माध्यिका होती है तो एसी बाई टू के बराबर होता है, यानी 10/2। आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर, 10 नहीं, हाँ आंसर आएगा आपके पास 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो है 5 सेंटीमीटर आ गया आपके पास। क्लियर हुआ? सेकंड आपको बताना है कि लंब केंद्र तथा केंद्रक के बीच की दूरी। अब बताइए, ये तो है लंब केंद्र, ये है आपका परिकेंद्र। केंद्रक कहां होगा, माध्यिका पे ही होगा, तो ये है माध्यिका और इस पे ये जी केंद्रक है। केंद्रक की एक प्रॉपर्टी आपको पता है कि केंद्रक जो है वो माध्यिका को क्या करता है, केंद्रक जो है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। ये क्लियर हुआ? वर्टेक्स वाली साइड 2 और बेस वाली साइड कितनी, 1। तो ये मैं बोलूंगा कि ये वाली साइड जो है वो तो हो गई 2 और ये हो गई 1। पूरी साइड इसकी क्या है, 5 है
और अगर मैं इसको 2:1 में बांट देता हूं तो अपने पास दो वाली साइड तो क्या आ जाएगी, केंद्रक और ऑर्थो सेंटर के बीच की दूरी। तो पहला है केंद्रक और ऑर्थो सेंटर के बीच की दूरी, तो चलिए ये निकालते हैं। 5 को 2 और 1 के रेशो में डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो ये जो दूरी आएगी इसके बीच में ये तो आपके पास कितनी आ जाएगी, 2/3। 3 क्या हो गया, 2 और 3 का ये जो रेशियो है इनका सम हो गया और ऊपर 2 आएगा, 5 को डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा 10/3 सेंटीमीटर, ठीक है, जो भी आप लिखें इसको 3/1/3 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। अब आपको तीसरे क्वेश्चन में, अब ये डिस्टेंस दो वाली क्या है, सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच की तो दूरी है, सेंट्रोइड और इसके बीच की, तो यही पूछा है। तीसरा क्या है, केंद्रक तथा परिकेंद्र के बीच की दूरी, ये केंद्रक है ये परिकेंद्र है, तो ये वाली साइड क्या है, 1 है, तो इसी को हम अगर करें तो ये 2 था, तो 1/3 × 5 करें तो ये आ जाएगा आपके पास 5/3 यानी कि 1/2/3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल ईजी था। अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज आपको पता है कि इसमें कहां पे लंब केंद्र होता है, कहां पे सर्कम सेंटर होता है, कहां पे परिकेंद्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पे अपने राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो पढ़ेंगे वो कुछ प्रॉपर्टी मिसलेनियस जो बच गई हैं एक दो वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी ये होती है कि मैक्सिमम एरिया एरिया ऑफ मैक्सिमम स्क्वायर, ठीक है, हेडिंग डालें एरिया ऑफ मैक्सिमम स्क्वायर, यानी किसी राइट एंगल ट्राइंगल में बनने वाले सबसे बड़े स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ठीक है। क्लियर यहां से हो जाएगा आपको कि ये है, ये आपके पास एबीसी एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें कोई एक स्क्वायर बन रहा है इस तरह से अगर, ठीक है, जो भी नाम दें इसको डीई एफ, तो इस डीई बी डी ई एफ जो है ये क्या होगा, सबसे बड़ा इसमें बनने वाला एक स्क्वायर होगा और इसका एरिया क्या होगा, तो यहां से देखें एरिया एरिया ऑफ मैक्सिमम स्क्वायर, या फिर हिंदी में लिखें तो आपको और इससे क्लियर हो जाएगा कि सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ग का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, ये नहीं है, सबसे बड़ा जो वर्ग बन रहा है उसका क्षेत्रफल, तो ये क्या होता है, ये आपके पास वैल्यू आएगी अगर अगर यहां पे मैं इसको एक्स मानता हूं और ये वाली साइड को वाई मान लेता हूं, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास इसका फॉर्मूला है कि सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वो हो जाएगा एक्स वाई यानी इन दोनों साइड का मल्टीप्लाई अपॉन में इन दोनों साइड का योग और पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ। और सेकेंड जो प्रॉपर्टी बन रही है वो देखिए इसी से रिलेटेड है, सेकेंड प्रॉपर्टी इसमें ये बोलता है कि अगर इस तरह से आपके पास कोई साइड स्क्वायर बने, इस तरह से अगर आपके पास कोई स्क्वायर बने, ठीक है, ये आपके पास अगर कोई स्क्वायर बन रहा हो ए बी सी, और मान लीजिए ये है डी ई एफ जी, तो ये जो डी ई एफ जी जो स्क्वायर बन रहा है इसकी साइड कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसकी साइड कैसे निकालेंगे, तो इसकी साइड निकालने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला रहेगा, यहां पे देखें ये है आपके पास ए, ये है आपके पास बी और ये सी है, तो इसकी साइड जो है वो क्या रहेगी, साइड ऑफ स्क्वायर, तो ये रहेगी आपके पास ए बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है। तो ये आपके पास दो फॉर्मूले आ गए,
स्क्वायर से रिलेटेड कि मैक्सिमम स्क्वायर बनता है उसकी उसका एरिया क्या होगा, और इस तरह से अगर कोई स्क्वायर बने तो उसकी साइड क्या होगी। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नोट कर लेना चाहिए, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी देखते हैं क्या है। एक जो प्रॉपर्टी बच रही है इसमें वो देखें कि क्या है। वो प्रॉपर्टी ये है कि एक ही आधार, पहले आपको अच्छे से पता होगा ये प्रॉपर्टी कि एक ही आधार तथा दो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले जो त्रिभुज हैं उनका एरिया बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये दो समांतर रेखाएं हैं, दिख रही है क्या? ठीक है, ये दो समांतर रेखाएं हैं, अगर नहीं दिख रही तो हम ब्लैक पेन से इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये आपके पास दो समांतर रेखाएं हैं। अब ये बोला गया कि एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाली, ये हम बोले ए बी और सी डी है, और ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के है। ठीक है, और यहां पे मैं दो पॉइंट ले लेता हूं, एक पी और एक क्यू। ठीक है, अब इस पी क्यू को मैं आधार मान के एक ट्राइंगल यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, एक ट्राइंगल मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूं, आगे एक और ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं मैं इस तरह से, इसको आगे बढ़ा के। ये कितने भी ट्राइंगल आप ड्रॉ कर सकते हैं, एक ही आधार होना चाहिए और इन दोनों के बीच में रहना चाहिए। तो जो पहले वाले ट्राइंगल का एरिया अगर ए वन माने, दूसरे वाले का ए टू, तीसरे वाले का ए थ्री अगर एरिया माने, तो यहां से प्रॉपर्टी ये है कि इस तरह से बनने वाले सारे ट्राइंगल का एरिया आपस में बराबर होता है, यानी ए वन बराबर होगा ए टू के और ये भी बराबर होगा ए थ्री के। कंडीशन एक और लिख लीजिए कि सेम आधार होना चाहिए, सेम बेस, बेस जो है वो पी क्यू ही है। देखिए, ठीक है, तीनों ट्राइंगल का बेस पी क्यू ही है। अब इससे बनने वाले कितने भी त्रिभुज आप बना लीजिए, सबका एरिया क्या होगा, सब सबका एरिया जो है वो बराबर होगा, लेकिन आधार एक रहना चाहिए और इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए वो। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो इस पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपना ट्राइंगल यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी लिखें आप, सीधा इस पे क्वेश्चन बन के आता है। प्रॉपर्टी ये लिखें, ये एक साइड आपको गिवन है, एक डायग्राम ही ड्रॉ कर लें इस तरह से। दो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दे रखे हैं, दोनों को एक दूसरे के बेस से वर्टेक्स से मिलाया गया है। ठीक है, इस तरह से दोनों को मिला दिया गया है और मैं बोल रहा हूं कि ये ए है साइड, ये बी है, ये सी है और ऊपर वाली साइड जो है वो डी है। ए बी सी डी ये साइड है, ये साइड मैंने इसको पॉइंट को पी लिखा है और यहां इसको मैं मिला देता हूं नीचे। ठीक है, तो ये जो साइड है ये क्या आ गया आपके पास, क्यू आ गया। ठीक है, ये चीज आपके पास गिवन है, तो आपको निकालना क्या है, अगर इसकी पूरी की पूरी लंबाई जो है वो पी है और ये जो है आपको गिवन है इसकी वैल्यू क्या है, ए है, और इसकी वैल्यू आपके पास बी है। अगर ये आपको निकालना हो कि पी की वैल्यू बताइए, इस तरह से आपको डायग्राम ड्रॉ हो कि दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं एक ही बेस पर। ठीक है, दोनों को एक दूसरे के वर्टेक्स से मिलाया गया, मतलब एक ही बेस पे दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, दोनों एक पॉइंट पे, जिनके कारण जो है वो दोनों एक ही पॉइंट पे प्रतिच्छेद करते हैं पी पॉइंट पे।
तो पी को और नीचे एसी पे अगर लंब डाला जाए तो उस लंब की लंबाई क्या होगी, उस लंब की लंबाई क्या होगी, तो वो होगा साहब, कैसे आया आपको ये ध्यान नहीं रखना, ठीक है, राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम से इसको आप प्रूव करेंगे, वन अपॉन पी इक्वल टू होगा वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी, ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा कि वन अपॉन पी इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी। अब आप देख लीजिए इसमें क्वेश्चन जो है वो, मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर गिवन है आपको, ये 6 गिवन है और ये 9 सेंटीमीटर गिवन है, ए और बी 9 सेंटीमीटर गिवन है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि दो राइट एंगल ट्राइंगल ए की बेस एसी पे बन रहे हैं, दोनों के जो कर्ण हैं वो एक दूसरे को पी पॉइंट पे प्रतिच्छेद करते हैं, तो पी पॉइंट से बेस एसी पर डाले गए लंब की लंबाई बताइए यदि ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और डी सी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ये रहेगी, इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा वन अपॉन पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/6 प्लस 1/9, तो चलिए ये आ जाएगा आपका 18 और 3 प्लस 2, ठीक है, तो पी की वैल्यू क्या आएगी 18/5 यानी 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 1/p था तो रिवर्स कर दिया तो पी की वैल्यू आ गई, तो यहां से अपना ट्राइंगल जो है ये कंप्लीट हो जाता है, सारी जो प्रॉपर्टी बनती है हम डिस्कस कर चुके हैं ट्राइंगल की, और ये थी इसकी लास्ट प्रॉपर्टी, इस पे प्रैक्टिस करते रहिए, ट्राइंगल जो है वो ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और अब हम बढ़ेंगे इसमें क्वाड्रिलेटरल की तरफ, तो देखते रहिए जॉब्स इंडिया डेली और बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू।